हेलो जी, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। डे टू ऑफ आवर ओवरलैंडिंग इन अरुणाचल। वी आर स्टिल एट द कैंप साइट जहाँ कल मैंने अपना एपिसोड एंड किया था। कल नहीं, आई डोंट नो कितने ब्रेक में मैं एपिसोड्स डाल रहा हूँ, बट हाँ, पिछला एपिसोड जहाँ हमने एंड किया था, हम उसी कैंप साइट पर हैं। करंटली वी आर एट नेचर्स नेस्ट। सॉरी, कैंप साइट का ये नाम है। दिस इज़ हाउ द कैंप साइट लुक्स। अगर आपको अपना ओवरलैंडिंग व्हीकल लाना है, ऑफकोर्स वो ला सकते हो। अदरवाइज भैया के पास यहाँ कैंप्स भी हैं। भैया, हेयर इज़ द ओनर, और इनका मैं कॉन्टैक्ट डिटेल, नेम, नंबर वगैरह सब ना छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देन यू कैन गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट हिम। द लोकेशन इज़ शेरगांव इन अरुणाचल। यहाँ से आज एजेंडा है हमारा, वी हैव टू गो आउट एंड एक्सप्लोर लोकल शेरगांव। कल क्या हुआ था, कैफ़े की मस्ती में आने के बाद ना कुछ किया ही नहीं मैंने। कैफ़े में थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी कर ली, फिर वापस आकर अपना थोड़ा कुकिंग करके, डिनर करके हम लोग खाकर सो गए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर जो यहाँ पर लोकल फिशरीज़ होती हैं, हाउ इट इज़ डन, वी आर गोइंग देयर। बट इशू क्या है, आज सुबह से ही ना, देखिए आप, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं, बट सुबह से ही बारिश हो रही है। इसकी वजह से पूरी जो घास है वो गीली हो गई है। मेरी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, और चढ़ाई पे जाके वो रियर हैवी हो जाती है, तो फ्रंट टायर्स ग्रिप लूज़ कर देते हैं। तो पहले से ही हम लोगों ने पुलकित भाई की हाइलक्स पे टो स्ट्रैप लगा लिया है। वो पुलकित भाई मुझे स्लोली पुल करते हुए ऊपर ले जाएंगे। और पुलकित भाई, चलें आगे, चलते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज एक्सयूवी को 4x2 में टो करेंगे। 4x2 में हो जाती है तो कर लेते हैं, वरना आपका तो भैया जब मन करे घुमा देना एक नॉब एडवांस गाड़ी। सो फिशरीज, और उसके अलावा भी कुछ और नहीं? फिशरीज के अलावा एक 400 साल पुरानी इधर मॉनेस्ट्री है, ओके, वो देखेंगे, वो देखते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप क्या है हमारा? उसके बाद एक हमारा इधर फार्म स्टे भी है, हाँ, वो हम देखेंगे। हाँ, वहाँ पर थोड़े फूल वगैरह हैं, कीवी, अच्छा, है, काफी प्लांटेशंस हैं, उनको देखेंगे। राइट, जाएंगे मंडाला टॉप। मंडाला टॉप आज जो हमारा कैंप स्पॉट रहेगा, दैट इज मंडाला टॉप। नाउ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको लेके चलता हूँ। अब आपको दिखाते हैं लोकेशंस, हमारे साथ मजे कीजिए। सी यू ऑन द रोड नाउ गाइस। पहले देखते हैं, अगर टो स्ट्रैप से कोई दिक्कत आई तो वो भी शूट करके दिखाऊंगा, है ना। सी यू गाइस।
राइट सो आपने जस्ट अभी देखा, हम लोग ने लोकल शेरगांव में फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिशरी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो एक्सप्लोर किया. वहाँ ट्राउट फिश जो बहुत फेमस है इधर की, ऑफ कोर्स हिमाचल की भी काफ़ी फेमस है, तो उसका पूरा फार्म देखा, वहाँ ट्राउट फिश को खाना खिलाया. उसके बाद हम लोग एक CRPF तक क्या था वो प्रिया, BSF था, BSF के कैंप पे भी गए थे. ऑफ कोर्स हमने वहाँ शूट नहीं किया, बस BSF कैंप के अंदर जाकर उनका स्टेशन देखा, प्लस साथ में उनका कैफेटेरिया वगैरह कैसा रहता है, तो वो एक्सपीरियंस अलग था, वो शूट नहीं किया मैंने. उसके बाद हम लोग गए थे गोम्पास देखने, दो अलग अलग गोम्पास देखे. एक गोम्पा की हिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, जो सेकेंड वाला गोम्पा था बड़ा वाला, ऐसा कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब ट्रैवलर्स वहाँ पहुँचते थे तो पैदल पहुंचने के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आती थी इस गोम्पा से कि लोगों के नाक में से खून बह जाता था. सो ऑफ कोर्स अब ये सब पुरानी कहानियां हैं, अब तो नहीं होता है, हम तो आराम से घूम के आए वहां पर, वी हैव सीन इनसाइड द गोम्पा आल्सो. आफ्टर दैट वी वेंट टू अ रेकमेंडेड कैफ़े कम रिजॉर्ट, गए अच्छा खाना खाया वहां पर, वहीं बगल में वाटरफॉल था, वो भी मैंने आपको दिखाया ही होगा. ये सब द ओकले ग्रूव्स था उसका नाम. सो नेक्स्ट अपना एजेंडा है, सो टुडे वी वॉन्ट टू रीच अ प्लेस कॉल्ड मंडाला टॉप. ये हमारी नेक्स्ट कैंपिंग लोकेशन है अरुणाचल में, हार्डली 2 घंटे दूर है शेरगांव से. पुलकित भाई हमें आगे लीड कर रहा है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा उनका व्हीकल. सो ही इज़ लीडिंग अस, वी आर हेडिंग टू मंडाला टॉप. 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए. आई थिंक जर्नी बहुत हसीन होगी, बारिश आती जाती रहती है, वादियाँ बहुत सुंदर हैं. तो नाउ सी यू गाइज ऑन द रोड एंड आपको दिखाते हैं कहाँ पहुँचते हैं ना. सो सी यू इन अ बिट.
एंड वी हैव फाइनली रीच्ड मंडाला टॉप. आई डोंट नो आप लोगों को मैं दिख रहा हूँगा कि नहीं, बट हाँ, वी हैव रीच्ड मंडाला टॉप. काफ़ी लेट हो गए थे यहाँ आते आते, एंड थोड़ी सी ना ये बारिश है, ये क्या है, हवा में इतनी भयंकर ओस उड़ रही है ना, तो वी थॉट कि थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो रास्ते में हमने एक ढाबे पर रुक के ऑलरेडी डिनर कर लिया. यहाँ सिर्फ टेंट्स डिप्लॉय कर लिए हैं, आपको कल दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, आज सिर्फ सोने का काम रह गया है, तो अपने अपने टेंट्स में घुस रहे हैं, सोते हैं. हाइट बहुत अच्छी है, दिस इज़ 10,500 feet, तो गर्मी का तो कोई स्कोप ही नहीं है. अभी रात के लिए तो सिर्फ हमने ना अपने अपने टेंट्स डिप्लॉय कर लिए हैं, और ऑनिंग वगैरह कल करूँगा दिन में. सो वो देखो घोड़ों की आवाज़ आ रही है, घोड़े दिखे भी थे हमें वहाँ. सो दिस इज़ द टॉप, कल आपको यहाँ नज़ारे दिखाते हैं. फॉर टुडे गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट एपिसोड में आपको मंडाला टॉप और आसपास के नज़ारे दिखाते हैं. बाय बाय. Yeah.